नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। अरुण शौरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, मनमोहन को याद किया। देश की अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंधन के लिए एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिनों को याद करना शुरू कर दिया है। शौरी ने एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग याद करने लगे हैं। सरकार की नीतियां बनाने का तरीका कांग्रेस जैसा है और गाय का मुद्दा है। सरकार की नीतियां समान है, शौरी ने कहा कि दूसरा अंतर ये है कि ये साफ तौर पर मानना है कि अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का मतलब सुर्खियों का प्रबंधन है और वास्तव में ये काम करने वाला नहीं है। छोटा राजन को जान से मारना ही मकसद, छोटा शकील। दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने अपनी जिंदगी का मकसद बताते हुए कहा कि भले ही अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन मैं उसे हर हाल में जान से मारकर ही दम लूंगा। अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया को छोटा शकील ने फोन करके उक्त बात कही। इसी बीच सीबीआई का दल आज इंडोनेशिया पहुंच गया है और वो वहां की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद राजन को भारत लेकर आएगा। विनाशकारी भूकंप से पाकिस्तान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में सोमवार की दोपहर आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाई है और वहां अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भूकंप ने कई इमारतों को धराशायी कर दिया, जिसकी वजह से 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए। भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा होने की संभावना है। अफगानिस्तान में भी भूकंप ने 60 से ज्यादा लोगों की जान ली है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के आकलन के अनुसार भूकंप का केंद्र काबुल से 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जार्म में जमीन से 213 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।